वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे अभी तो गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है या गुड नून है ऐसा बोल सकते हैं। टाइम नहीं पता कितना टाइम हो रहा है। मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से मेरा पैर टूट गया है। दो दिन से इतना हेक्टिक शेड्यूल था जिसके लिए मैं डॉक्टर को दिखा नहीं पाई। अभी मुझसे सहा नहीं जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है, तो इसीलिए फाइनली आज मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। क्या करेंगे पता नहीं, एकदम पैर को फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, पैर उठा नहीं पा रही, इतना दुख रहा है। नहा धोकर फ्रेश होकर रेडी हो चुकी हूँ, बस सुमित आ जाए स्कूटी लेकर फिर निकलती हूँ। तब तक मैं ये जगह पर खड़ी हूँ, सीढ़ी के इधर खड़ी हूँ। ये देखो सुमित लेके आए मुझे हड्डी बिठाने के लिए हड्डी के डॉक्टर के पास। बाहर बैठी हूँ, आ गई हूँ डॉक्टर के पास। अभी टाइम लगेगा, अभी एक बसने में 5 मिनट बाकी है। जब तक एक नहीं बसता है डॉक्टर नहीं देखेंगे। तो आ गई, पसीना बहुत गर्मी है और मैं आई हूँ बीच के साइड पे, बहुत सुंदर हवा भी दे रहा है धूप के साथ साथ। पानी है कि इधर आपके पास? नहीं पानी है, पानी लाना पड़ेगा। आज लंच पे खा रही हूँ चिकन बिरयानी और इसके साथ देखिए मेरे पैर में हो गया एक हादसा, बस इसी का मेडिसिन, अभी दोपहर का मेडिसिन ले रही हूँ मैं। हेलो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ घर। मेरा प्लास्टर नहीं हुआ है, एक्चुअली बैंडेड करके दिया है, मसाज किया उसके बाद। ये आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं ना उनके पास गई थी मेरा पैर को लेकर, मतलब पैर मुझे लेके गए थे, या क्या बोल रही हूँ मैं उल्टा पुल्टा, मेरे पैर मुझे लेके गए थे या मैं मेरे पैर को लेके गई थी, अच्छा कुछ भी हो। तो बस गई थी, जाकर आई, बैंडेड वगैरह कर दिया है, ये देखिए। प्लीज मेरे घर को इग्नोर कर देना, घर मेरा थोड़ा सा डर्टी है, इन द सेंस कलर थोड़ा सा खराब है इसीलिए ऐसा दिख रहा है। और अभी कितना टाइम हो रहा है पता नहीं, लेकिन बाहर का वेदर, मेरे रूम से इतना मस्त व्यू आता है ना क्या बताऊं। ये देखो, यू कैन सी बहुत सुंदर दिखता है। और ये जो होटल है ना इसमें मैं जॉब करती हूँ, मेरे घर से कितना नजदीक है, इसमें मैं जॉब करती हूँ। मेरे पापा मम्मी टेंशन करते रहते हैं कि कहाँ पर रहती है, कितना दूर है होटल वगैरह वगैरह पुदीना ये सब पूछते रहते हैं। और बस अभी तो कुछ नहीं करना है, रूम पे रेस्ट करना है। कल मैं जाऊंगी जॉब पे क्योंकि मुझे घर में बैठे बैठे कंटाल आ रहा है, एकदम पसंद नहीं आ रहा है घर में अकेला अकेला। क्या पागल थी जैसे रील्स वगैरह बना रहे हैं, अभी नेट भी मेरा खत्म हो गया, अभी क्या करूँ। अभी 2-3 वीडियो भी है उसको भी एडिट करना है, कल देखती हूँ टाइम मिले तो मैं पब्लिक करूंगी। बस ऐसे ही चल रहा है मेरा दिन, आप लोग कैसे हो फिर बताना। चलो फिर मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ, मम्मी का बार बार कॉल आ रहा है। ठीक है चलो बाय। अच्छा ये ना कोई खोले, कोई खोले तो नहीं सूरी नहीं लगती कैसे करोगे, ये सूरी नहीं लगती है। बाकी उसका फान यार इसका बना रहा है, पिलने के तरण कब किसका वीडियो कर रहा, मेरा या बॉक्स का? दोनों का नहीं, मेरा नहीं, मेरा कपड़ा खराब है। हाँ तो बॉक्स का ही चल रहा है, बॉक्स का उधर काटो। और एक पैकेट नहीं, हाँ और एक पैकेट, एक दो तीन, सर वॉशिंग मशीन में लाके दो, पैकेट ही पैकेट भर गया।
मुझे लगा कुछ पहनने वाला होगा सीधे मुझे लगा कुछ अच्छा कुछ मंगाया होगा अच्छा अच्छा नहीं है अच्छा शादी करो पता चलेगा क्या अच्छा है बाद में चला के देखना बहुत अच्छी है ओए उसको बजना है कितना गर्मी लग रही है कब गेंद बजना ये छोटा वाला है इसमें क्या कहते हैं मिक्सर है ना फिर वीडियो हो जाएगा कैंसिल नहीं कैंसिल होगा मैं पकड़ के नहीं आ रहा ना खोल दो ना पूरा देखिए फ्रेंड मेरा मदद कर रहा है खोल नहीं आ रहा है खोल नहीं रहा था ये एक और मैम आप पियोगे दादा जी है एक कप आपने मिली एक चम्मच आप ना दो चम्मच लाओ देखो ठीक है तो देखो चला के हाँ चला के पहले देख उधर का उधर है अपने गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग बोल सकते हैं गुड नाइट भी बोल सकते हैं लेकिन अभी ब्लॉग वैसे शूट कर लूँ तो मैं गुड इवनिंग बोलूंगी क्योंकि अभी रात के 9 बज गए हैं 9:17 हो चुका है और आज का डेट है कौन सा आज है संडे 16 तारीख और अप्रैल का मैंने तो सुमित ने मुझे ये गिफ्ट किया है बहुत दिन से मैं 1.5 साल या 2 साल से मैं बोल रही थी कंटिन्यू कि मुझे ऐसा मिक्सर चाहिए मिक्सर चाहिए तो आपने तो मेरा घर वाले मिक्सर ने मिक्सर देखा ही होगा घर में मैं कैसे यूज करती हूँ तो ये मुझे बहुत पसंद था तो फाइनली ये मिक्सर मुझे खरीद के दिया मिक्सर ग्राइंडर और आज ही आया है फ्लिपकार्ट से मैंने आपको दिखाया था जो अब मैंने अनबॉक्सिंग किया वो मैंने ऑफिस में किया था और मेरे एक स्टाफ ने मतलब इनको अनबॉक्सिंग करने का हेल्प किया था तो बस अभी मैं इसको इसमें क्या बोलूँ मैं एक्साइटमेंट इतना हूँ ना तो उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ इसको अभी मैं टेस्ट करके देखूंगी जैसे आप देख सकते हैं इधर मसाला मैंने रखा है वैसे मसाला में कुछ है नहीं एक टमाटर 2 हरी मिर्च जो लाल हो चुका है सूखकर और लहसुन और अदरक जरा सा इसको पेस्ट करूंगी चलो मैं पेस्ट करके देखती इसका कैसा टाइम मतलब कितना टाइम लगता है पेस्ट होने में ठीक है तो फ्रेंड मैंने ग्राइंड कर चुकी हूँ एक हाथ से खोल नहीं पा रही हूँ ट्राई करती हूँ एक हाथ से खोलना हाँ तो देखिए कितना अच्छा इसमें ग्राइंड हुआ है एकदम मुझे जैसे चाहिए था तो मुझे बहुत पसंद आया है थैंक यू सो मच सुमित फ्रेंड प्लीज इग्नोर दैट ये जो स्पॉट है ना ब्लैक ब्लैक इसको क्योंकि मैं बहुत घिसा इसको निकाल नहीं पाई पता नहीं ऐसा क्यों हो गया मुझे लगता है ना कभी कभी इसमें एसिड डाल दूं और ब्रश से घिस दूं क्योंकि मुझे ना कढ़ाई हर टाइम व्हाइट दिखना पसंद है एकदम नीट एंड क्लीन वैसे भी छोड़ दो ये सब बातें बस आज मैं क्या खाना बनाने वाली हूँ आज मैं तुरई आलू और ऑनियन हाँ ये तीन को काट के अच्छे से धोकर रख लिया है इसका सब्जी बनाने वाली हूँ आज और ये फर्स्ट टाइम मैंने ग्राइंडर में मतलब फर्स्ट टाइम बोले तो आज ही हाँ आज ही आया है और आज ही यूज कर रही हूँ इसका पेस्ट क्योंकि मैं कूटती थी पहले छोटा जो कूटने का आता है ना उसमें कूट के सब्जी बनाती थी बहुत दिक्कत होता था लेकिन अब वो दिक्कत से मुझे मुक्ति मिल गया है तो आज मैं फटाफट पे बना लेती हूँ आपसे बात करते करते खाना और आज मैं बनाऊंगी तुरई आलू की सब्जी राइस और क्या टेंडे फ्राई टेंडे या कुंदरी क्या बोलते हैं आप लोग रुको मैं दिखाती हूँ क्या इसको आप लोग क्या बोलते हो मैं तो इसको तुरई नहीं तोरुली बोलते हैं शायद इसको टेंडे या कुछ भी ऐसा कुछ है वर्ड पता नहीं बस चलो मैं फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ आलू और मैं डाल देती हूँ
ये सब्जी मैं सूखा सूखा बनाऊंगी। पहले तो मैंने सोचा था कि इसमें वो पोस्तो होते ना, बंगाली लोग बहुत खाते हैं खसखस, वो बनाऊंगी, लेकिन मिला नहीं मुझे। और फ्रेंड सुबह ना, मतलब कल रात को मैंने इसमें मेंढक का अंडा, इन द सेंस सॉरी क्या इसका नाम मुझे पता नहीं, ये भिगो के रखा था, पोतीला ऐसा बोलते हैं इसको, इसको भिगो के रख दिया था, मुझे खाने का टाइम नहीं मिला। तो चलो अभी इसका शरबत बना के पी लेती हूँ। फ्रेंड मैंने इसमें एक मिस्टेक कर दिया, ऑनियन को पहले ऑयल में देना चाहिए था, मैं एक साथ सब कुछ डाल दिया, इसीलिए ना वो तुरई से पानी निकल रहा है तो ऑनियन फ्राई नहीं हो रहा है, जल रहा है मेरे नीचे ये कढ़ाई। एक्चुअली क्या है ना, मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में यूज करके ऐसा मेरा हैबिट हो गया है, ये सिल्वर वाला जो आता है ना इसमें मैं कुकिंग नहीं कर पाती हूँ, जल जाता है। देखिए नीचे फिर से जल रहा है मेरा। इसका कोई सलूशन रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ऐसा क्या यूज करूँ कि ये जले नहीं। थोड़ा बहुत थोड़ा सा फ्राई करती हूँ ना, जल जाता है नीचे, देखिए कितना जल गया है। चलो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, फिर आपको अपडेट करती हूँ। अभी ये इसमें मसाला भी डाल दूंगी। फ्रेंड मेरा कढ़ाई का हालत देखकर आप समझ सकते हो सब्जी कैसे बना है। आई डोंट नो, मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ जल कैसे जाता है, इतना ना ध्यान रखा फिर भी मेरा सब्जी जलकर एकदम भून चुका है। क्या बताऊँ, फिर से मुझे सब्जी काटना पड़ेगा, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट, वो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा सब्जी जल गया, कढ़ाई को देखकर आप समझ सकते हैं इसका हाल क्या हुआ है सब्जी का, वो नहीं दिखाऊंगी, अपना इंसर्ट नहीं करना चाहती। अभी कुकर में राइस चढ़ा दिया है, राइस होता है तब तक मैं सब्जी काट के फिर से मसाला बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड चलो मेरा ये जला हुआ सब्जी के साथ मैं आज का ब्लॉग दी एंड करती हूँ। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मैं कितना टेस्टी खाना बनाती थी लेकिन मुझे सब भूल गई, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है अभी, सच बता रही हूँ। और ये खाना ट्राई मत करना बनाने का, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन पता नहीं सब्जी का जो हालत हुआ है ना, आप कढ़ाई देखकर समझ सकते हो, इमेजिन कर लीजिए मैं कैसे सब्जी बनाया। प्लीज मुझ पर हंसना मत, अगर हंसी आए तो कमेंट में लिख देना आपको इस ब्लॉग में, सॉरी मैं उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ, आपको इस ब्लॉग में कौन सा चीज सबसे अच्छा लगा और सबसे फनी लगा, अगर लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए और लाइक देना जरूर, क्योंकि अच्छा लगे तो ब्लॉग। और मेरा ये जला हुआ सब्जी के साथ क्या बताऊं, ब्लॉग को यहीं पर ध्यान करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम ब्लॉग जाएगा ना, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।